तो आज हम जानेंगे कि हमें किसी भी बाइक से किस तरह से अच्छा माइलेज मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है टायर में एयर प्रेशर। जी हाँ, एयर प्रेशर जो है वो हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कम टायर प्रेशर रखा है जिससे कि आपका माइलेज काफी कम हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप जरूरत से ज्यादा एयर प्रेशर रख लें और आपको लगे कि इससे पिकअप और मेरा माइलेज बढ़ जाएगा। तो ये भी काफी बड़ी गलतफहमी है, ये और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अभी पिछले हफ्ते ही मेरा एक फ्रेंड है जिसने केटीएम ड्यूक में काफी ज्यादा एयर प्रेशर रखा हुआ था और ये बात उसने खुद मानी, इस वजह से उसका एक्सीडेंट भी हुआ। जरूरत के वक्त जब उसने ब्रेक लगाया तो ब्रेक नहीं लगा और उसकी बाइक एक ट्रक से टकरा गई। तो आप जरूर ध्यान रखें कि जितना एयर प्रेशर होना चाहिए आगे और पिछले व्हील्स में उतना ही आप रखें, उससे ज्यादा टायर में आप एयर प्रेशर ना भरवाएं और टाइम टू टाइम उसे चेक करते रहें और एयर प्रेशर टाइम से भराते रहें, मतलब एयर उसमें भराते रहें ताकि आपको अच्छा माइलेज मिल सके। फिर दूसरी चीज है ध्यान में देने वाली कि लोग कई बार बाइक राइड करते समय अपने ब्रेक पैडल पे अपना फुट जो है वो रेस्ट कर देते हैं, यानी कि उसको हल्का सा दबा देते हैं। तो वो भी एक बड़ी गलत चीज है जिसके कारण आपका माइलेज काफी ज्यादा घट जाता है, क्योंकि लगातार ब्रेक पे आपका पाँव है ब्रेक पैडल पे और हल्का सा प्रेशर वहां पे लग रहा है, तो इस वजह से आपके इंजन को और ज्यादा फ्यूल पीना पड़ता है और प्रेशर लगाना पड़ता है आपकी बाइक को आगे बढ़ाने के लिए। और साथ साथ में यही नहीं, आपका जो ब्रेक पैड है वो वगैरह भी घिस जाते हैं, तो दो तरह से नुकसान होता है आपको अगर आपने ब्रेक पैडल पे अपना फुट रेस्ट कर रखा है, उस पर उसको दबा रखा है। तो तीसरी चीज जो हमें ध्यान देनी है वो है हमें अपनी बाइक को कम से कम स्पीड में चलाना है ज्यादा से ज्यादा गियर पे रखते हुए। मतलब ये है कि आपको वैसे तो ट्रैफिक के हिसाब से बाइक चलानी पड़ेगी जब भी आप रोड पे अपनी बाइक लेके निकलेंगे, पर आपको हमेशा ध्यान देना है कि उस हिसाब से ही आप बाइक चलाएं। कोशिश करें कि आपको ज्यादा से ज्यादा गियर रखने का जहां मौका मिल रहा है वहां ज्यादा से ज्यादा गियर रखें और स्पीड कम से कम रखें। स्पीड ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आप एकदम से बढ़ा रहे हैं और एकदम से कम कर रहे हैं। और साथ साथ में आपको चौथी बात यह है कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एकदम से ना बढ़ाएं, एकदम से कम ना करें, आप आराम आराम से पिकअप लें, आराम आराम से छोड़ें। ये चीज आपको काफी ध्यान देने वाली चीज है। और एक और चीज कि बार बार आप बार बार ब्रेक का यूज आपको ना करना पड़े, जितना कम आपको और जितना कम प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्रेक पे, वैसे तो आपको जब लगाना है तब तो लगाना ही है, पर जितना कम आपको लगाना पड़ेगा प्रेशर उतना ज्यादा अच्छा है, फ्यूल इकोनॉमी आपकी उतनी अच्छी होगी, आपको बाइक में माइलेज उतना अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं हम कि ये सारी चीजें तो हमने ध्यान दे दी। आजकल ज्यादातर स्पोर्ट्स बाइक में आरपीएम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आरपीएम आपको दिखाई देता है। ये असल में इसके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आरपीएम क्या होता है, कैसे इसको देखा जाता है और किस हिसाब से ये हमारी मदद करता है बाइक को राइड करते समय, और ज्यादातर कारों में भी ये हमें ऑप्शन मिलता है। तो ये जो आरपीएम होता है ये ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। जब आप अपनी बाइक चला रहे हैं तो काफी ज्यादा ऊपर फिर नीचे ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है, तो यानी कि आप गलत समय पे गलत गियर शिफ्ट कर रहे हैं या गलत गियर में चला रहे हैं, तो ये फ्लक्चुएट होगा। तो हमें जरूर ध्यान देना है कि आरपीएम बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए, बहुत ज्यादा नीचे ना जाए, अचानक से फ्लक्चुएट ना हो, एक लेवल पे वो मेंटेन रखना है आपको आरपीएम, ताकि आपका माइलेज आपको अच्छा मिले। आपको आरपीएम का भी ध्यान देना है, बाइक्स में भी अब इसका ऑप्शन आ गया है इस, और जिन बाइकों में ये ऑप्शन नहीं है नॉर्मल बाइक में, तो आपको ज्यादातर यही कोशिश करनी है कि आप सही समय पे अपना गियर शिफ्ट करें, सही स्पीड पे, जिस स्पीड पे आपको करना चाहिए उसी स्पीड पे आप गियर शिफ्ट करें और आपकी बाइक जिस गियर पे कम से कम स्पीड में चल सकती है आप चला सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी बाइक पे अच्छा माइलेज इन बातों का ध्यान दे के पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें वीडियो को, और अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, सी यू अगेन।